नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में 250 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत ग्रंथपाल, कंप्यूटर शिक्षक, सहायक ग्रेड 3, लेखापाल, वित्त चौकीदार, सफाई कर्मचारी एवं अन्य विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आप लोगों से कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा, साक्षात्कार कौशल परीक्षा के आधार पर सीधा भर्ती किया जाएगा। तो इन पदों के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आप लोगों को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाएगा, किस प्रकार से आप लोगों का चयन किया जाएगा, पूरी डिटेल से मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि ऐसी काम की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग यहां पढ़ सकते हो विज्ञापन जारी किया कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जसपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत दोस्तों जसपुर जिले के 7 स्कूलों में लगभग 250 से अधिक पदों पर भर्ती किया जाएगा। वो भी आप लोगों से कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा, साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती किया जाएगा। और जो भी इच्छुक आवेदक इन विभिन्न पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 13 अप्रैल 2022 शाम 5:30 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को 13 अप्रैल 2022 शाम 5:30 बजे तक ऑनलाइन गूगल लिंक के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसी के नीचे आप लोग यहां पर स्कूल का नाम देख सकते हो, कौन से स्कूल में कितने कितने पदों पर भर्ती किया जाएगा। स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पतरा टोली दुलदुला जसपुर छत्तीसगढ़ में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, व्याख्याता हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के पदों पर भर्ती किया जाएगा। प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 38,100 रुपये। इसी के नीचे आप लोग यहां प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के एक पद पर भर्ती किया जाएगा, प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 38,100 रुपये। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के एक पद पर भर्ती किया जाएगा। इसी प्रकार शिक्षक अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, संस्कृत, हिंदी के एक एक पद पर भर्ती किया जाएगा, प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 35,400 रुपये। सहायक शिक्षक हिंदी, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित के एक एक पद पर भर्ती किया जाएगा, प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 25,300 रुपये। कंप्यूटर शिक्षक और ग्रंथपाल के एक एक पद पर भर्ती किया जाएगा। इसी प्रकार प्रयोगशाला सहायक के 3 पद पर भर्ती किया जाएगा, प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 25,300 रुपये। व्यायाम शिक्षक के एक पद, लेखापाल सहायक ग्रेड 2 के एक पद पर भर्ती किया जाएगा, प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 25,300 रुपये। सहायक ग्रेड के एक पद, प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 19,500 रुपये। वृत्ति के टोटल 4 पद पर भर्ती किया जाएगा, प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 15,600 रुपये। इसी प्रकार दोस्तों चौकीदार के एक पद पर भर्ती किया जाएगा, प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 15,600 रुपये। और अंशकालीन सफाई कर्मचारी के टोटल 2 पद पर भर्ती किया जाएगा, वेतन दिया जाएगा कलेक्टर दर के हिसाब से। और आप लोग इसी के नीचे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख सकते हो, व्याख्याता के लिए क्या होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आवेदित विषय में निम्न अनुसार स्नातोत्तर पास होना चाहिए, इसी के साथ बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, व्याख्याता के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है, किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातोत्तर की उपाधि होना चाहिए, यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। इसी प्रकार प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, बीएड प्रशिक्षित अनिवार्य होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 50% अंकों के साथ स्नातक ग्रेजुएट पास होना चाहिए। और आप लोग यहाँ प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है देख सकते हो। इसी प्रकार शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक ग्रेजुएट की उपाधि होना चाहिए, इसी के साथ बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, 12वीं पास 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम से किया हुआ होना चाहिए। कंप्यूटर शिक्षक के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया, यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। ग्रंथपाल के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक ग्रेजुएट की उपाधि होना चाहिए, इसी के साथ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस बीलीयू की उपाधि भी होना चाहिए। लेखापाल सहायक ग्रेड 2 के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए,
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक ग्रेजुएट की उपाधि होना चाहिए। इसी के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष से डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी शैक्षणिक योग्यता सेम है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। वृत्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, 50% अंकों के साथ 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी के साथ ही साथ चौकीदार के लिए भी शैक्षणिक योग्यता सेम है, आप लोग यहाँ देख सकते हो 8वीं पास मांगा गया है। और दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि आप लोगों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा। आप लोग यहां पर पढ़ सकते हो साक्षात्कार कौशल परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। दोस्तों आप लोग यहां पर डिटेल से पढ़ सकते हो जो आप लोगों का जो चयन किया जाएगा साक्षात्कार कौशल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर डिटेल से बताया गया, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। और दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जशपुर जिले के 7 स्कूलों में लगभग 250 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, वो भी दोस्तों साक्षात्कार कौशल परीक्षा के आधार पर सीधा भर्ती किया जाएगा। तो आप लोग यहां दूसरे स्कूल का नाम पढ़ सकते हो, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय फरसा बहार जिला जशपुर छत्तीसगढ़ में कितने कितने पदों पर भर्ती किया जाएगा, कौन कौन से पद पर भर्ती किया जाएगा, यहाँ पर पूरा डिटेल से बताया गया है। जैसे आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो व्याख्याता हिंदी अंग्रेजी संस्कृत गणित भौतिकी रसायन जीव विज्ञान सामाजिक के अध्ययन और वाणिज्य के पद पर भर्ती किया जाएगा। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि व्याख्याता के लिए जो प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा कितना दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हो। इसी प्रकार प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला, शिक्षक अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान गणित संस्कृत हिंदी के एक एक पद पर भर्ती किया जाएगा। आप लोग यहाँ उसी के बगल में प्रतिमाह वेतन कितना दिया जाएगा वो देख सकते हो। दोस्तों मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल बता दिया है, सभी के लिए जो शैक्षणिक योग्यता सेम है आप लोग यहां पर देख सकते हो कि व्याख्याता के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है, यहां पर डिटेल से बताया गया। इसी प्रकार प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। सभी स्कूलों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है वो सेम है, आप लोग देख सकते हो। इसी प्रकार स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पत्थलगांव जिला जसपुर में भी व्याख्याता के पदों पर भर्ती किया जाएगा। इसी प्रकार प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला, शिक्षक सहायक शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक प्रयोगशाला सहायक व्यायाम शिक्षक लेखापाल सहायक ग्रेड 2 भृत्य चौकीदार और सफाई कर्मचारी के भी पद पर भर्ती किया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुनकुरी जिला जसपुर में व्याख्याता के विभिन्न पद पर भर्ती किया जाएगा। आप लोग यहां पर वर्गवार आरक्षित पदों की संख्या देख सकते हो, किस वर्ग के लिए कितने पद पर भर्ती किया जाएगा। इसी प्रकार प्रधान पाठक माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला के पद पर भर्ती किया जाएगा। शिक्षक सहायक शिक्षक एवं कंप्यूटर शिक्षक ग्रंथपाल प्रयोगशाला सहायक व्यायाम शिक्षक लेखापाल सहायक ग्रेड 3 भृत्य चौकीदार और सफाई कर्मचारी के भी पदों पर कुनकुरी के स्कूल में भर्ती किया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जसपुर में व्याख्याता भौतिकी वाणिज्य के पदों पर भर्ती किया जाएगा। शिक्षक गणित अंग्रेजी के एक एक पद पर भर्ती किया जाएगा। सहायक शिक्षक हिंदी गणित के एक एक पद पर भर्ती किया जाएगा। व्यायाम शिक्षक के एक पद पर भर्ती किया जाएगा। आप लोग यहाँ पर प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाएगा पद के बगल में ही दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। और इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो। दोस्तों सभी पदों के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है सेम है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। जो जसपुर जिले के 7 स्कूल में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, सभी स्कूलों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है जैसे व्याख्याता के लिए सेम है, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला के लिए शैक्षणिक योग्यता सेम है, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। और दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, जसपुर जिले के जो 7 स्कूलों में भर्ती किया जा रहा है, इन सभी स्कूलों के लिए जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 13 अप्रैल 2022 शाम 5:30 बजे तक आप लोग ऑनलाइन गूगल लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हो। सभी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि सेम है। और दोस्तों अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए इन सभी विज्ञापनों के बारे में, तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जसपुर जिले का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो मैं दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाके डाउनलोड कर देख सकते हो। और दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हो सभी के लिए व्याख्याता पद पर अगर आप लोगों को आवेदन करना है तो उसके लिए अलग से आवेदन
लिंक दिया गया है। इसी प्रकार प्रधान पाठक माध्यमिक शाला, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए अलग अलग यहाँ पर लिंक दिया गया है। आप लोगों को यहाँ पर जाके आवेदन करना होगा। मैं आप लोगों को इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे। आप लोग वहाँ पर जाके अगर आवेदन करना चाहते हो इन विभिन्न पदों के लिए तो कर सकते हो। और दोस्तों आप लोग इसी के बगल में विज्ञापन का यहाँ लिंक दिया गया है सभी सातों स्कूलों का, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। जसपुर विद्यालय हेतु अगर आप लोगों को आवेदन करना है या फिर विज्ञापन देखना है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। इसी प्रकार मनोरा, कुनकुरी या कांसाबेल का विज्ञापन देखना है तो आप लोगों को यहाँ क्लिक करना है और जो विज्ञापन है ओपन हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर किए ताकि ऐसी काम की वीडियो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। और इस विज्ञापन से संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम आप लोग के सवालों का जवाब दे सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।